बात, ये जो मशीन है ये नए तामीर जो हो रहे हैं घर, उन पे मटेरियल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये रमल आप देख रहे हैं, इसको रेत रेत की तरह की होती है। यहाँ पर टाइल्स ये सामने पड़ी हैं, जितना भी हैवी मटेरियल है वो पहुंचाया जाता है छत पर या सेकंड फ्लोर पर। इसकी जो सैलरी है 250 से लेके और 350 केडी तक रहती है इसको ऑपरेट करने की। सीमेंट की बोरियां हो, टाइल्स हो, तो ये इजी है, कोई बहुत मुश्किल मशीन को सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें सैलरी मकूल लग जाती है। ये रेत को बलाई छत पे पहुंचाया जा रहा है। मंतके का नाम अलवफरा है। यहाँ पर नए घर तामीर हो रहे हैं, चंद एक हो गए हैं। तो ये पाकिस्तानी भाई हैं, सियालकोट से बिलोंग करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जान, आपसे ये तो मैंने पूछा नहीं कि इसको जो आदमी सीखना चाहे, नया आदमी, वो कम से कम कितने अरसे में सीख सकता है?
आदमी पे डिपेंड करता है, 5 दिन में सीख सकता है, महीने में भी सीखता है, 10 दिन में सीख। अच्छा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कह लें एक महीने तक आराम से सीख सकता है। ठीक है, 2-4 दिन में भी सीख सकता है। अच्छा जी, यानी इतना मुश्किल नहीं है, इसमें टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक, एक ही लीवर से होता है ये जो आपके? हाँ जी, ये अलग अलग होता है, जो जीसीपी है उसमें 2 लीवर होता है, इसमें एक लीवर है, ये जो लीवर है इसी से सारा फंक्शन है, इसमें गियर भी है, बकेट भी है, बूम भी है, इसमें निकालते है। अच्छा जी, इसमें ये ठीक है, यानी कि एक लीवर से सारे काम होते हैं, सारे काम होते हैं। ठीक जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह खैर जी, अल्लाह। तो भाई बता रहे थे कि ये मशीन को ऑपरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक माह में भी आदमी सीख सकता है। तो कोई भी भाई आए तो काम सीख के ही आना चाहिए, और यहाँ पर सैलरी भी माकूल मिल जाती है। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।